नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अमराराम वीके की गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज वीडियो लेक्चर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं चौहान साम्राज्य के पार्ट दूसरे में चौहान साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान पृथ्वी पृथ्वीराज चौहान पृथ्वी पृथ्वीराज चौहान पृथ्वी का बचपन का नाम था राय पिथोरा। क्या नाम था? राय पिथोरा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म विक्रम संवत 1218 से 1224 के बीच इतिहासकार मानते हैं। पृथ्वीराज के पिता का नाम था सोमेश्वर और माता का नाम था कर्पूर देवी जो कलजुगी के राजा तेजल की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता का निधन अल्प आयु में ही हो गया था, तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को 9-10 वर्ष की अवधि में उम्र में उनको चौहान राज्य का राजा बना दिया गया, यानी उनका सिंहासन आरोहण हो गया। किनकी देखरेख में? उनकी माता कर्पूर देवी के देखरेख में। ऐसी स्थिति में उनके ही सगे संबंधियों ने पृथ्वीराज चौहान को पद से हटाने का उचित प्रयास किया, तो उनके काका पृथ्वीराज चौहान के काका अपर गांगे और नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया और इन्होंने गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर दिया। कर्पूर देवी की सूझबूझ में यानी पृथ्वीराज की अल्प आयु में उनकी माता जो उनके तरफ से शासन की देखरेख कर रही थी, उनकी देखरेख में अपर गंगे और नागार्जुन के विद्रोह को दमन कर दिया और गुड़गांव और आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन इतने में नहीं हुआ था, एक विद्रोही जाति थी भंडानक जो विद्रोही जाति थी, तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। तो उनके विद्रोह को दमन के लिए भी कर्पूर देवी ने प्रयास किया और ये जो जाति जिन्होंने गुड़गांव मथुरा अलवर भरतपुर क्षेत्र पर जो अपना अधिकार कर लिया था, पुनः चौहान राज्य पर इनका अधिकार हो गया था। इनका कर्पूर देवी के ने जो सेना भेजी उसका आंतरिक समस्याओं या विद्रोह को दमन करने के पश्चात अब पृथ्वीराज चौहान ने जो अभी बड़ा हो गया था उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई, अपने आसपास के क्षेत्रों को अधिकार करने की नीति अपनाई ताकि उसका राज्य बड़ा हो जाए, शासन संसाधन उनके समृद्ध हो जाए, यानी बड़ा क्षेत्र उनके अधीन आ जाए तो भूमि से जो आय होगी उनकी ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह से उनके संसाधन बढ़ जाएंगे तो वह उनका राज्य मजबूत हो जाएगा। इसी दृष्टि के तहत पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के क्षेत्र को विजित करने का प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने पड़ोस में ही चंदेल नरेश परमार्दी को हराया। इन परमार्दी का राज्य महोबा बुंदेलखंड और जजागृति पर था, यानी उनका महोबा बुंदेलखंड और जजागृति पर उसका उस क्षेत्र पर उनका अधिकार था। किसका? चंदेल नरेश परमार्दी का। युद्ध में परमार्दी को पराजित किया गया और पराजित के दौरान परमार्दी के दो बड़े सेनानायक आला और उदल वीर गति को प्राप्त हुए और ये नरेश भागकर कहाँ चला गया? गढ़वाल नरेश जयचंद के वहां शरण ली। तो परमार्दी के राज्य को राज्य पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय को पराजित किया। इसको पराजित करने का कारण यह था कि आबू और नारोल जो क्षेत्र थे उस पर इनका अधिकार था। इसका भीमदेव द्वितीय का, जो चालुक्य नरेश था, जो गुजरात का राजा था, आबू और नारोल पर इनका अधिकार था। इन आबू और नारोल को अपने अधिकार में करना चाहते थे पृथ्वीराज चौहान, इसलिए इनके बीच में 1184 ईस्वी में नागौर युद्ध हुआ। इनके बीच में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और गुजरात के चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय के बीच में, यानी अपने दो बड़े राजाओं की राज्य की सीमाएं जब आपस में मिल जाती है तो फिर उनमें टकराव शुरू होती है और इस तरह से गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय को पराजित करके इन पर अधिकार कर लिया नांडोल और आबू पर। यदि भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनको पूर्ण रूप से पराजित नहीं किया गया था, बल्कि यानी इनको
पराजित किया गया, लेकिन उनके राज्य का चौहान राज्य में विलय नहीं किया गया था। फिर आता है कन्नौज के गढ़वाल नरेश को पराजित किया पृथ्वीराज चौहान ने। गढ़वाल नरेश कौन था? जयचंद। इसके बीच में युद्ध का कारण क्या है दोनों राजाओं के बीच में? एक तो क्या था, परमार्थी जो पराजित हुआ था, चंदेल नरेश जो परमार्थी था, वो जो पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, उसको शरण दी गई थी। इसके द्वारा गढ़वाल नरेश जयचंद द्वारा। एक दूसरा सीमावर्ती क्षत्रों को लेकर, यानी इनके दोनों का राज्य, कन्नौज का राज्य और चौहान राज्य जो अजमेर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र पर था, इनके राज्य की सीमा आपस में मिल रही थी। इस तरह से झगड़ा शुरू हो गया था। एक कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जयचंद की पुत्री एक सुयोगिता थी जो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से प्रेम करती थी, तो जब ये चीज जयचंद को पसंद नहीं थी तो उन्होंने स्वयंवर रचाया और स्वयंवर रचने के दौरान सभी राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए एक द्वारपाल के रूप में उसकी मूर्ति बना दी गई। सहयोगिता ने सभी एक एक करके सभी जो योद्धा थे उनको वर्ण चुनकर उसी द्वारपाल की मूर्ति, जो पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी द्वारपाल के रूप में, उसको गले में माला डाल दी। जब पृथ्वीराज चौहान को ये पता चला तो उन्होंने सहयोगिता का वरण कर दिया, हरण कर दिया, उनको वहां से उठा लिया। किसको? जयचंद की पुत्री को, सहयोगिता को। तो इस कारण भी इनके बीच में झगड़ा था कि जयचंद नहीं चाहता था कि मेरी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो। तो ऐसा उल्लेख किया गया है पृथ्वीराज वासु में सीवी वैद्य ने कहा और गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि हाँ ये कहानी सत्य है, हो सकती है कि सहयोगिता जो उसकी पुत्री थी जयचंद की, उसको लेकर भी कन्नौज के गढ़वालों के बीच में झगड़ा होता था। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा था, इस कारण से जयचंद को पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित किया गया। तो पृथ्वीराज चौहान की नीति के तहत उसने महोबा के चंदेलों को हराया, गुजरात के चल गया था भीम द्वितीय को पराजित किया और कन्नौज नरेश गढ़वाल नरेश जयचंद को भी पराजित किया। इस तरह से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज की जो नीति थी वो न्यायोचित थी, उचित थी। अपने हर कोई राजा चाहता है कि अपने राज्य का विस्तार हो, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दिग्विजय की नीति के तहत क्या किया, अपने आसपास के राजाओं को क्या कर दिया, असंतुष्ट कर दिया। और वो विकट परिस्थिति में जब तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में, उस तराइन के पहले और दूसरे युद्धों में इन्होंने, यानी चंदेल नरेश ने, गढ़वाल नरेश ने या गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय ने, जिसने एक बार 1171 में भीमदेव द्वितीय ने 1171 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित भी किया था, अगर ये सब आपस में मिलकर पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर या पृथ्वीराज चौहान उनके साथ मिलकर गोरी का मुकाबला करते तो हो सकता है तराइन की नीति का परिणाम कुछ और ही होता। तो कुछ ये न्यायोचित नहीं मानते कि इस तरह से पृथ्वीराज चौहान दिग्विजय की नीति के तहत क्या किया, अपने पड़ोसी राजाओं को पराजित करके या युद्ध करके उनको असंतुष्ट कर दिया और संकट के समय इन लोगों ने सहायता नहीं की। तो धन्यवाद। आप अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के तुर्कों के आक्रमण या तुर्कों का प्रतिरोध। धन्यवाद।